हाय गाइस एंड वेलकम टू कैफ। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की। एंड यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को लेके ये क्वेश्चन है जिसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो मेंस के एग्जाम होते हैं NIACL, AO एंड असिस्टेंट, और उसके बाद आके जो आपके SBI PO एंड क्लर्क है, उनके मेंस के एग्जाम में ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक की साइट को विजिट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रैक्टिस मॉक की जो साइट है उन्हीं से लिया है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इनके टेस्ट सीरीज को आप बाय कर सकते हैं जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक की हेल्प से आप इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड मैं यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 9 पर्सन है। पर्सन के नेम गिविन है केविन, पीटर, एलेक्स, जॉन, माइकल, रॉबिन, डेविड, स्मिथ एंड एंड्रियो, जो कि आपके डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं सेम बिल्डिंग में। फिर गिविन है द बिल्डिंग हैज ओनली 9 फ्लोर। इस बिल्डिंग में खाली 9 फ्लोर है एंड द टॉप मोस्ट इज नंबर 9। इसमें नंबर 9 जो है वो टॉप का फ्लोर है। उसके बाद आपका इसके इमीडिएट बिलो जो है वो नंबर 8 आएगा एंड ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर 1 होगा। सो वैसे ही आपका पुराना पैटर्न है कि 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। आपका फर्स्ट जो है वो फिर क्या होगा, आपका ग्राउंड फ्लोर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं अपनी नेक्स्ट साइड से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो है वो काफी छोटा है। जब भी क्वेश्चन छोटा होता है तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम होती है और आपको पॉसिबिलिटीज जो होती है वो ज्यादा बना के चलनी पड़ती हैं। एंड जहाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज्यादा होती है। तो जब भी कोई छोटा क्वेश्चन हो और आपके एग्जाम में आए प्री में, तो आप उसे स्किप कर सकते हो और बाकी क्वेश्चन से बढ़ सकते हो, क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन जो है उसमें इंफॉर्मेशन हो सकता है कम हो और पॉसिबिलिटीज ज्यादा बने। लेकिन ये बिना पढ़े आप नहीं पहचान सकते हैं। जब तक आप उसे रीड नहीं करेंगे, आप उसे समझेंगे नहीं, तब तक आप नहीं पहचान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे पहचानेंगे, मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि ये पर्सन जो है ये आपका 7 फ्लोर पर बैठा है, ये पर्सन जो है वो 8 पर बैठा है, या 6 पर बैठा है, या 4 पर बैठा है, 3 पर बैठा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस पूरे ही क्वेश्चन में, या जो यहाँ पे 5 से 6 लाइन दे रखी है, इन 5 से 6 लाइन में किसी की भी पोजिशन जो है वो फिक्स नहीं बताई जाएगी कि ये पर्सन जो है वो इस पोजिशन पर आकर बैठेगा। इस वजह से यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपकी ज्यादा बनकर आएगी। लेकिन अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आप पॉसिबिलिटीज को जल्दी ही इरेज भी करते हुए जाएंगे। मैं दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनके जो फ्लोर के नंबर हैं उन्हें डाल लेते हैं। सो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं टू फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच पीटर लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच स्मिथ लिव्स। तो यहाँ पे 2 फ्लोर का गैप आएगा किसके बीच में, आपका जो पीटर का फ्लोर है उसमें एंड स्मिथ के बीच में, राइट? फिर कह रहे हैं पीटर डज नॉट लीव ऑन टॉप फ्लोर। तो पीटर जो है वो कहाँ नहीं आएगा, आपका टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं एंड्रयू लिव्स ऑन अ फ्लोर दैट इज 4 फ्लोर अबव जॉन्स फ्लोर। तो यहाँ पे कह रहे हैं एंड्रयू जो है वो उस फ्लोर पे रहता है जो कि 4 फ्लोर अबव है किसके, जॉन के फ्लोर के। तो आप देखोगे यहाँ पे जब भी ये गिवन होता है फ्लोर 4 अबव, या फिर आपका इस तरीके से गिवन हो कि 5 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जो गैप देते हैं वो -1 करके देते हैं। जैसे कि आपका 4 फ्लोर अबव लिखा है, यानी कि आप 3 का गैप देंगे। इसका मतलब आपका जो एंड्रयू है वो कैसा रहेगा, आपका 3 का गैप देके और फिर यहाँ पर जॉन आ जाएगा, यानी कि जॉन के अकॉर्डिंग ये चौथे नंबर पे रहेगा 3 का गैप देके। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जॉन्स फ्लोर इज बिलो पीटर्स फ्लोर। जॉन का जो फ्लोर है वो पीटर के फ्लोर के नीचे है, तो इसको हम दिखा देंगे जॉन। ओके, जॉन जो है वो कैसे आएगा, पीटर के फ्लोर के नीचे आएगा, यानी कि पीटर ऊपर की ओर आएगा। फिर आगे कह रहे हैं निदर एलेक्स फ्लोर नॉर माइकल्स फ्लोर इज एडजेसेंट टू द फ्लोर ऑन विच स्मिथ लीव्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपका जो एलेक्स का फ्लोर है एंड जो माइकल का फ्लोर है वो किसके एडजेसेंट नहीं होगा, स्मिथ के एडजेसेंट नहीं आएगा। ओके, देन आगे कह रहे हैं डेविड एंड माइकल लिव्स नॉर डेविड नॉर माइकल लिव्स ऑन टॉप और फर्स्ट फ्लोर। तो आपका नंबर फर्स्ट
जो फ्लोर है, नंबर वन जो फ्लोर है, एंड जो नंबर नाइन का फ्लोर है उस पे कौन नहीं आएगा? आपका डेविड नहीं आएगा एंड माइकल नहीं आएगा। आगे फिर कह रहे हैं माइकल्स फ्लोर इज नॉट एडजेसेंट टू पीटर्स फ्लोर। तो माइकल का जो फ्लोर है वो एडजेसेंट नहीं है किसके? पीटर के फ्लोर के। तो इसको भी हम लिख देंगे माइकल एंड पीटर दोनों एक दूसरे के कैसे नहीं है? एडजेसेंट नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं एलेक्स फ्लोर इज अबव केविन्स फ्लोर। एलेक्स का जो फ्लोर है वो अबव है किसके? केविन के फ्लोर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलेक्स एंड उसके अबव क्या आएगा आपका? उसके बिलो क्या आएगा? केविन। ओके, एलेक्स जो है वो ऊपर आएगा एंड केविन जो है वो नीचे आएगा। एलेक्स का जो फ्लोर है वो केविन के ऊपर है। तो फ्लोर ऊपर है लेकिन कितना के गैप देके है, इमीडिएट अबव है, इस चीज के बारे में हमें नहीं पता है। उसके बाद कह रहे हैं रॉबिन्स फ्लोर इज थ्री फ्लोर अबव द एलेक्स फ्लोर। तो रॉबिन का जो फ्लोर है वो तीन फ्लोर अबव आएगा एलेक्स के फ्लोर के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉबिन एंड थ्री फ्लोर अबव है यानी कि आप दो का गैप देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलेक्स। फिर राइट का टिक लगा देंगे बिकॉज ये तो कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे गिवन है आपका रॉबिन ऊपर की ओर आएगा। सेम एंड्रयू एंड जॉन के भी गिवन था कि ये दोनों इसी तरीके से आएंगे, एंड्रयू ऊपर एंड जॉन नीचे की ओर। फिर गिवन है केविन्स फ्लोर इज नेदर नाइन नॉर फर्स्ट फ्लोर। तो केविन जो है वो कहाँ नहीं आएगा? आपका नाइन फ्लोर पे नहीं आएगा एंड फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। फिर कह रहे हैं स्मिथ्स फ्लोर इज नॉट बिलो रॉबिन्स फ्लोर। तो स्मिथ का फ्लोर जो है वो रॉबिन के फ्लोर के नीचे नहीं है यानी कि स्मिथ जो है वो कैसे आएगा आपका? रॉबिन के फ्लोर के ऊपर की ओर आएगा। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि आपका जो फ्लोर है मतलब किसी भी पर्सन का जो फ्लोर है वो फिक्स हो। जैसे किसी के बारे में गिवन हो कि ये एट फ्लोर पे आएगा या ये सेवन फ्लोर पर आएगा या फिर ये सिक्स फ्लोर पर आएगा, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है। तो जब भी आपकी ऐसी कंडीशंस बनकर आए तो आप समझ लेना कि उसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनेंगी। तो अगर आप इंफॉर्मेशन को पढ़ चुके हो, खाली पढ़ा है आपने, उसमें 30 सेकेंड बर्बाद किए हैं, तो मैं कहूंगी कि आप उसे छोड़ दें मेंस में। लेकिन अगर आप इस तरीके के अपने पॉइंट्स बना चुके हो, करीबन उसे 2 से 3 मिनट दे चुके हो, तो मैं कहूंगी कि आप पॉसिबिलिटीज बनाओ, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करो। क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो सब बना लेते हैं, लेकिन फिर जो कॉम्पिटिशन बचता है वो किसमें बचता है? आपका जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने में। जो स्टूडेंट्स ये टफ क्वेश्चन को बना के ले जाते हैं वही कट ऑफ को क्या करते हैं? क्लियर हो जाते हैं और बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर आप पढ़कर समझ जा रहे हैं कि ये इसमें काफी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, किसी की जगह फिक्स नहीं है, तो आप स्किप करके पहले इजी वाले पे चले जाइए बिकॉज आपको स्कोर तो करना ही है। लेकिन अगर आप इतना अटेम्प्ट कर चुके हैं, करीबन आधा आधा अटेम्प्ट करना हो जाता है क्वेश्चन को, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, उसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं, तो अगर आप आधा अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर आप उस क्वेश्चन को पूरा ही अटेम्प्ट करिए। चलिए अब देखते हैं हम इसे कैसे फिक्स करना है। तो हम किस पॉइंट को पिक करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग इस पॉइंट को पिक करेंगे बिकॉज इसमें ज्यादा स्पेस है, तीन का गैप है। सो एंड्रयू ऊपर आएगा, जॉन नीचे आएगा। तो एक कंडीशन ये बनेगी कि एंड्रयू आपका यहाँ पर आ जाए एंड 1 2 3 का गैप करके आपका जॉन जो है वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद कंडीशन आएगी कि एंड्रयू आपका यहाँ पर आ जाए, 3 का गैप करके आपका जॉन यहाँ पर आ जाए। फिर कंडीशन ये होगी कि एंड्रयू यहाँ पर आ जाए, 1 2 3 का गैप करके आपका जॉन यहाँ पर आ जाए। उसके बाद कंडीशन होगी कि एंड्रयू यहाँ पर आ जाए, 1 2 3 का गैप करके जॉन आपका यहाँ पर आ जाए। फिर कंडीशन होगी एंड्रयू यहाँ पर आ जाए, 1 2 3 का गैप करके आपका जॉन यहाँ पर आ जाए। तो ये आपकी 5 कंडीशन बनकर आई हैं, लेकिन ये 5 कंडीशन जो है वो जल्दी जल्दी यहाँ पे कटेंगी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब इससे कनेक्टेड पॉइंट जो है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एंड्रयू की यहाँ पे जॉन के जो ऊपर है वो पीटर आएगा। ओके, जॉन के ऊपर पीटर आएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीटर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पीटर से 2 का गैप देके स्मिथ आएगा। तो पीटर से 2 का गैप देंगे तो स्मिथ आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें पोजिशन फिक्स नहीं है कि जो गैप हमें देना है वो हमें ऊपर की ओर देना है या फिर नीचे की ओर देना है। तो यानी कि आपका जो पीटर है वो जो स्मिथ है वो पीटर से ऊपर की ओर भी जा सकता है, नीचे की ओर भी जा सकता है। अच्छा, स्मिथ के बारे में फिर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि स्मिथ स्मिथ के नीचे की ओर रॉबिन आएगा। तो जब स्मिथ आएगा उसके नीचे की ओर रॉबिन आएगा, और फिर रॉबिन के बारे में ये कहा गया है कि रॉबिन के बाद 1 2 का गैप देके क्या आएगा? आपका एलेक्स आएगा। ओके, 1 2 देके एलेक्स एलेक्स आएगा 2 का गैप देके, और इनकी पोजीशन फिक्स है कि रॉबिन ऊपर एंड एलेक्स नीचे आएगा। उसके बाद आपसे ये भी कहा गया है कि एलेक्स जो है वो ऊपर आएगा केविन के, यानी कि एलेक्स के नीचे जो है वो केविन भी आएगा। तो मिनिमम आपको स्मिथ के नीचे कितने पर्सन चाहिए होंगे या कितनी सीट्स या कितने फ्लोर चाहिए होंगे? तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो मिनिमम आपके जो 5 फ्लोर हैं वो स्मिथ के नीचे आएंगे। यानी कि जो स्मिथ की जगह है वो कैसे बनेगी आपकी? 6, सॉरी,
जो आपकी स्मिथ की जगह है वो 6, 7 या 8 पर ही बनेगी, बिकॉज आप देखोगे 5 फ्लोर हमें स्मिथ के नीचे मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ओके, क्योंकि ये 5 लोग को हमें इसके नीचे फिक्स करना ही है। तो आप देखो यहाँ पे स्मिथ को कैसे फिक्स कर सकते हो, देखो जॉन के ऊपर पीटर आएगा, जॉन के ऊपर पीटर आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे स्मिथ यहाँ 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 आ सकता है। अगर स्मिथ यहाँ आता है तो हमें जॉन के ऊपर ही पीटर को देना है, तो हम 1 एंड 2 का गैप करके पीटर को हम यहाँ नहीं दे सकते। तो अगर हम स्मिथ को यहाँ पर देते हैं तब आप 1 2 का गैप करोगे तो पीटर यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 का गैप ऊपर की ओर करोगे तो आपको स्मिथ पीटर के लिए जगह नहीं होगी। अगर हम स्मिथ यहाँ पर देते हैं तो 1 2 का गैप करके आपका पीटर जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे जॉन फिक्स है। तो ये वाली कंडीशन यहीं पर कट गई आपकी। ओके, मैं इसको दोबारा दिखा देती हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया हो। जैसे कि आप देखोगे स्मिथ के नीचे ये 5 पर्सन आएंगे ही आएंगे, बिकॉज स्मिथ जो है वो किसके ऊपर आएगा, रॉबिन के ऊपर आएगा, ठीक है, यानी कि रॉबिन इसके नीचे आएगा। जैसे ही रॉबिन इसके नीचे आएगा तब आप 2 का गैप दोगे और फिर एलेक्स को लिखोगे उसके नीचे, यानी कि यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 4 पर्सन मिनिमम आएंगे ही। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि एलेक्स जो है वो केविन के ऊपर आएगा, यानी कि केविन जो है वो एलेक्स के नीचे आएगा, इसका मतलब मिनिमम 5 पर्सन जो है वो स्मिथ के नीचे आएंगे ही आएंगे। दैट्स वाई कि आपका जो स्मिथ है वो 6, 7 एंड 8 पर आएगा या फिर 9 पर आएगा, बट 5 पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके नीचे मिनिमम 5 पर्सन आने वाले हैं। ठीक, अभी हमने क्या देखा स्मिथ एंड पीटर की कंडीशन में, कि अगर मैं स्मिथ यहाँ पर लिखती हूँ तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका पीटर यहाँ आ रहा है, लेकिन पीटर हमें कैसा चाहिए, जॉन से ऊपर चाहिए, जॉन से ऊपर चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पे स्मिथ को नहीं लिख सकते, बिकॉज 1 2 का गैप देंगे तो पीटर यहाँ पर काउंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या फिक्स है, ये एंड्रियो फिक्स है। अगर मैं स्मिथ को यहाँ पे लिखती हूँ तब भी आप ऊपर की ओर देखेंगे तो 1 2 का गैप करके इसके ऊपर पीटर जा नहीं सकता, लेकिन हमें पीटर ऊपर ही चाहिए, किससे, जॉन से। दूसरी बात, अगर मैं स्मिथ यहाँ पे लिखती हूँ तब आपका पीटर और ऊपर इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज स्पेस नहीं है, और नीचे की ओर इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज 2 का गैप देंगे तो आपकी जो पीटर की जगह है वो कहाँ बनेगी, जॉन की जगह पर बनेगी, जो कि होगा 5। इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है ये यहाँ पे कट हो जाएगी। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको यहां से हटा देती हूं। ओके, एंड नेक्स्ट वाली कंडीशन में अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखते हैं, अगर यहां पर आपका स्मिथ आता है तो 1 2 का गैप करके आपका पीटर यहां नहीं आ सकता। ओके, इसका मतलब स्मिथ यहां नहीं आएगा। अगर स्मिथ यहां पर आता है तो 1 2 का गैप करके पीटर यहां पर आ सकता है, लेकिन यहां पे ये मना करा गया है कि पीटर जो है वो टॉप पे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पीटर, मैं दूसरा पेन ले लेती हूं यहां पे तो ये अच्छे से हाईलाइट होगा। ओके, यहाँ पे मना करा गया है कि पीटर जो है वो टॉप पे नहीं आएगा, इसका मतलब स्मिथ जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर स्मिथ यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके पीटर यहाँ नहीं आ सकता, तो आपका जो स्मिथ है वो कहाँ आना चाहिए, स्मिथ आपका टॉप पर आ सकता है। तो स्मिथ को हम यहाँ पे टॉप पे लिख देते हैं एंड 1 2 का गैप करके हम पीटर को यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। अब इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्मिथ कहाँ आ सकता है, स्मिथ आपका 5 से ऊपर की ओर आएगा, तो अगर स्मिथ आपका यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके यहाँ पे तो पीटर आ नहीं सकता, जॉन फिक्स है तो ऊपर की ओर जाएंगे, 1 एंड 2 का गैप करके पीटर यहाँ भी नहीं आ सकता बिकॉज ये टॉप है। इसका मतलब आपका जो स्मिथ है वो यहाँ ना आके स्मिथ यहाँ आ सकता है, ओके, एंड 1 2 का गैप करके आपका जो पीटर है वो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन इसी में आपकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, ओके, जिसमें आपका पीटर जो है वो यहाँ पर आएगा एंड 1 2 का गैप करके स्मिथ जो है वो कहाँ होगा, टॉप पर होगा। ओके, इसी कंडीशन में आपकी 2 कंडीशन बनकर आएंगी। अब बात करते हैं इसकी, अब इसकी जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्मिथ है वो कहाँ जाएगा, 5 से ऊपर जाएगा, यानी कि स्मिथ अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके आपका पीटर यहाँ आ सकता है, स्मिथ यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके आपका पीटर यहाँ आ सकता है, एंड स्मिथ यहाँ आता है तो 1 2 का गैप करके आपका पीटर यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन इसमें आपकी क्या बन रहे हैं, 2 डायग्राम बन रहे हैं। तो अभी हम इसे स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वाले डायग्राम की अगर आप बात करेंगे तो स्मिथ जो है वो अगर यहां आता है तो 1 2 का गैप करके आपका पीटर यहां आ सकता है, स्मिथ यहां पर आता है 1 2 का गैप करके आपका पीटर यहां पर आ सकता है। तो अभी यहां पे क्या बन रही है, कंडीशन बन रही है। तो अभी हम इसको भी स्किप करते हैं और बाकी इन 3 डायग्राम को हम लोग यहां पे देखेंगे। अगर इन 3 डायग्राम में हमारा आंसर नहीं निकला तो हम इन दोनों की पॉसिबिलिटीज को पिक करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फिर यहां पे ये कह रहे हैं कि स्मिथ के नीचे रॉबिन आएगा, 2 का गैप करके एलेक्स आएगा, फिर केविन आएगा। तो स्मिथ के नीचे रॉबिन हमें इस तरीके से देना है कि हम 2 का गैप करके एलेक्स दे पाए, राइट। तो अगर हम रॉबिन को यहाँ पे कहीं लिखते हैं, मान लीजिए मैंने रॉबिन को यहाँ पर लिखा, तो अगर आप 2 का गैप देंगे तो आप एलेक्स को यहाँ पे लिखेंगे, और एलेक्स को जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका केविन आएगा। लेकिन केविन आप जो है वो लोएस्ट मोर जो आपका फ्लोर है यानी कि नंबर 1 वहां पे नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब आपका जो रॉबिन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, एंड रॉबिन यहाँ पे नहीं आएगा तो केविक्स एंड एलन यहाँ पे यहीं आएंगे। तो अब देखो रॉबिन कहाँ पर आ सकता है,
रॉबिन के नीचे आपको 1, 2, 3 एंड 4, 4 मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, केविन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। तो अगर केविन सेकंड पर आता है तो आप देखेंगे 1 केविन हो गया एक फ्लोर, फिर 2, 3 और 4 का गैप करके आपको रॉबिन कहाँ चाहिए होगा, 6 पे चाहिए होगा। लेकिन रॉबिन 6 पे नहीं आ सकता, इसका मतलब आपका रॉबिन जो है वो कहाँ पर आएगा इस कंडीशन में, 8 नंबर पे आएगा। 1, 2 का गैप देंगे तो आपका एलेक्स जो है वो यहाँ पर आएगा, एंड केविन जो है वो आपका या तो 4 पर आएगा, ओके, या फिर आपका नंबर 2 पर आएगा इस कंडीशन में, राइट। एंड इस कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें और जो पॉइंट्स है उन्हें भी फिक्स करके देखते हैं क्या हमारा इसमें आंसर आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके अलावा जो पॉइंट है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एलेक्स एंड जो माइकल है वो स्मिथ के नेबर नहीं होगा। तो एलेक्स एंड माइकल स्मिथ का नेबर नहीं है, ओके। एलेक्स जो है वो केविन के ऊपर आएगा, ये भी ठीक है। माइकल एंड पीटर एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। पीटर के जो दोनों नेबर है वो एंड्रियो एंड एलेक्स है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है 1 एंड 9 पे आपका डेविड एंड माइकल नहीं आएगा। तो 1 एंड 9 पे जब डेविड एंड माइकल नहीं आएगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका 4 एंड 2 है इस पर क्या आएगा, इनमें से किसी एक पर केविन आएगा। तो एक पर जब केविन आएगा तो बचे दो, कौन बचे आपका, एक तो बचा डेविड और दूसरा बचा माइकल। तो दोनों में से एक जो है वो तो आपका जो फ्लोर बचेगा 4 एंड 2 में से उस पर आ जाएगा, एंड बाकी जो एक बचेगा वो किस पे आएगा, आपका 1 पर आएगा। लेकिन दोनों को ही 1 जो फ्लोर है वो मना करा गया है, इस वजह से आपकी जो ये वाली कंडीशन है यही भी यहाँ पे कट जाएगी। तो ऐसे हम यहाँ पे इरेज कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ पे इन पॉसिबिलिटीज को ऐसे इरेज करेंगे ताकि अगर हमें कोई भी एक पॉसिबिलिटी जिसमें हमारा आंसर पकड़ में आ जाता है तो बेटर है, हमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बनानी पड़ेगी। बट नहीं आता है पकड़ में तब हम पॉसिबिलिटीज को और निकालेंगे। तो अभी हमने 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बचा के रखी है, 2 यहाँ की बचा के रखी है। तो हम इन दोनों डायग्राम को देख लेते हैं। तो इन दोनों डायग्राम के लिए मैं रॉबिन को कहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं रॉबिन को यहाँ लिखती हूँ तो 1 एंड 2 का गैप करके एलेक्स यहाँ पर आएगा एंड केविन यहाँ पर आएगा, जो कि नहीं आ सकता बिकॉज केविन को फर्स्ट फ्लोर मना करा गया है। इसका मतलब केविन जो आपका रॉबिन है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब आपका जो रॉबिन है वो यहां पर आएगा, एंड 1 एंड 2 का गैप करोगे तो एलेक्स जो है वो यहां पे नहीं आ सकता बिकॉज यहां पे आपका जॉन गिवन है। इसका मतलब आपका जो ये वाली कंडीशन है ये भी यहां से कट हो जाएगी, राइट। एंड बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। तो यहाँ पर आप देखोगे जो रॉबिन है वो कहाँ पर आ सकता है, ऑब्वियसली आपका नंबर 4 पे तो आएगा नहीं। एंड अगर नंबर 6 पर आता है तो आप देखेंगे 1 एंड 2 का गैप करके आप एलेक्स नहीं दे सकते हो, तो इस वजह से आपकी जो ये वाली कंडीशन है ये भी यहाँ पे कट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारी ये बाकी कंडीशन कट हो चुकी है तो हमारी जो बची हुई जिनमें से जो हमारी 2 कंडीशन थी जिनमें से हमारी एक एक कंडीशन और निकल दी थी उनको अब हम यहाँ पे पिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने अब आपको ये बता दिया है कि जो बाकी सारी पॉसिबिलिटीज है वो कैसे कट हुई है, अब आपका आंसर इनमें कैसे आएगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो एंड्रियो यहाँ पे फिक्स है एक कंडीशन में, एक कंडीशन में एंड्रियो यहाँ पे फिक्स है, ओके। यहाँ पे जो आपकी एक डायग्राम से 2 2 पॉसिबिलिटीज निकल दी थी उनको मैंने बना दिया है। अब हम अगर यहाँ पे पिक करते हैं जॉन के ऊपर स्मिथ को, ओके, तो आपका जो स्मिथ है वो कहाँ आएगा, 5 से ऊपर आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। तो अगर स्मिथ यहाँ पर आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका जो पीटर है वो यहाँ पर आ सकता है। अब इसी के संग हम लोग ये भी देखते हुए चलेंगे कि क्या हम नीचे रॉबिन और 2 का गैप करके एलेक्स लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तब तो हम पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, अदरवाइज हम पॉसिबिलिटीज को क्यों बनाएंगे, बिकॉज इतने पॉइंट्स तो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं जब हम इतनी पॉसिबिलिटीज को इरेज करते हैं, तो इतने पॉइंट सेट भी हो जाते हैं कि हम किन किन पॉइंट से पॉसिबिलिटीज को इरेज कर रहे हैं। तो अगर स्मिथ यहां पर आता है, पीटर यहां पे आता है, तो आप रॉबिन को कहां लिखेंगे कि आप 2 का गैप करके एलेक्स दे दें और फिर केविन दे दें। तो आप देखोगे अगर आप रॉबिन यहां पे लिखोगे तो 1 एंड 2 का गैप करके आप एलेक्स नहीं दे सकते हो, यहां लिखोगे तब भी 1 एंड 2 का गैप करके आप एलेक्स नहीं दे सकते हो। इसका मतलब जो आपका पीटर है वो यहां नहीं आएगा और स्मिथ जो है वो यहां पे नहीं आएगा। उसके बाद आप स्मिथ को अगर यहां लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके आप पीटर को यहाँ पे दे सकते हो, उसके बाद आप रॉबिन को यहाँ दे सकते हो, एंड 1 एंड 2 का गैप करके आप एलेक्स को यहाँ लिख सकते हो। केविन जो है वो सबसे नीचे नहीं आएगा तो केविन आप 3rd नंबर पे दे सकते हो। तो ये कंडीशन आपकी बन सकती है। इसके अलावा आपका जो स्मिथ है वो और ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज 2 का गैप करके आपका रॉबिन जो है वो कहाँ आएगा, 6 पर आएगा, जबकि 6 पे आपका एंड्रियो फिक्स है। अब बात करते हैं इस वाले कंडीशन की। ये वाला कंडीशन कौन सी है जो यहाँ पे गिविन है, ओके, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें अगर आप देखोगे जो स्मिथ है वो कहाँ पर आएगा, अगर स्मिथ आपका यहाँ पर आता है तो इसमें जब यहां पर आया है तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका पीटर जो है वो यहां पर आ जाएगा, राइट। एंड पीटर जो है वो टॉप पर नहीं आ सकता बिकॉज आप 2 का गैप करोगे तो वो टॉप पर आएगा और टॉप को पीटर को मना करा गया है। तो मैं ये लगातार बताती हुई चल रही हूँ कि हम लोग पीटर की पोजीशन जो है वो ऊपर की ओर क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज जो पीटर है वो टॉप पर नहीं आएगा। फिर पीटर जब यहां पर आता है तो आप देखोगे रॉबिन को अगर मैं यहां लिखती हूँ तो 1 एंड 2 का गैप करके फिर एलेक्स नहीं आ सकता, इसका मतलब आपका जो स्मिथ है वो यहां पर नहीं आएगा एंड पीटर जो है वो यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद आप देखोगे स्मिथ अगर यहां लिखते हो तो आप 1 एंड 2 का गैप करके पीटर को यहां पे दे सकते हो। देन आप क्या करोगे, यहां पे रॉबिन को लिखोगे एंड रॉबिन के बाद 1 एंड 2 का गैप करके आप एलेक्स यहां पे दे सकते हो एंड केविन जो है वो यहां पर दे सकते हो, ओके। एंड इसी के संग आपकी एक कंडीशन और बन सकती है, वो कंडीशन यहां पे ये है, जैसे कि आपका
जो एंड्रियो है वो यहाँ पे गिवन है, जॉन यहाँ पे गिवन है, ओके। तो स्मिथ जो है वो यहाँ पे आने की जगह, अगर स्मिथ आपका सबसे टॉप पर आता है, ओके, यहाँ तो आ नहीं सकता स्मिथ क्योंकि 8 पर आएगा, तो 1 एंड 2 का गैप करके आपको पीटर देना पड़ेगा, एंड्रियो की जगह पे वो आप दे नहीं सकते। तो अगर स्मिथ आपका सबसे टॉप पर आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके आप जो पीटर है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। एंड पीटर को यहाँ पे लिखने के बाद आपका जो रॉबिन है वो कहाँ पर आएगा, रॉबिन को अगर मान लो यहाँ लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके आप एलेक्स नहीं दे सकते, तो रॉबिन को आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, एंड 1 और 2 का गैप करके आप एलेक्स को यहाँ पे लिख सकते हो। फिर बचा आपका केविन, तो केविन आपका यहाँ भी आ सकता है एंड केविन आपका यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों ही जगह पे आपका केविन आ सकता है। तो अभी हम इसको यहीं पे लिख देंगे, तो ये जो कंडीशन है हमारी तीनों में फिक्स हो गई है, तो इसको हम हटा देते हैं। एलेक्स केविन को, रॉबिन एंड एलेक्स में 2 का गैप आएगा, इसे भी हटा देंगे। स्मिथ जो है वो रॉबिन के ऊपर आएगा, ये भी फिक्स हो चुका है। 1 एंड 9 पे डेविड एंड माइकल नहीं आएगा, तो 1 एंड 9 पे आपका डेविड एंड माइकल नहीं आएगा। तो आप देखोगे जो आपकी ये वाली कंडीशन है इसमें जो आपका डेविड एंड माइकल बचा है उसको 1 एंड 9 ही मिल रहा है, तो इस वजह से आपका जो ये वाला पॉइंट है ये कट हो जाएगा। इस कंडीशन की अगर आप बात करते हो तो 1st एंड 9 पर ही अगर आप देखोगे जो डेविड एंड माइकल नहीं आना है तो आप किसी एक को ही 8 नंबर पे दे सकते हो, या तो डेविड दे सकते हो या फिर माइकल को दे सकते हो। तो किसी को भी अगर 8 पे दे दोगे तो एक आपका 9 पर आएगा, जबकि आपका दोनों का ही 9 पे नहीं आना है, तो इसका मतलब आपका जो ये वाली कंडीशन है ये भी इरेज हो जाएगी। इसकी बात करेंगे तो यस, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि आपका 9 और जो 1st है वो फिक्स हो चुका है, डेविड जो माइकल है उसको हम या तो 8 पर देंगे या फिर हम इसको 3 या 2 में से किसी एक पर देंगे जिसमें केविन फिक्स हो जाएगा और जो बच जाएगा उनमें से किसी को। तो हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो माइकल एंड जो पीटर है वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, तो माइकल एंड पीटर साथ साथ नहीं आएंगे, तो ठीक है माइकल एंड पीटर साथ साथ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं स्मिथ के साथ एलेक्स एंड माइकल नहीं आएगा, तो स्मिथ के साथ यहाँ पे जो है वो माइकल नहीं आएगा, तो यहाँ माइकल नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डेविड आएगा, बिकॉज यही दो बचे हैं माइकल एंड डेविड, तो इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। फिर एंड्रू एंड जॉन में 3 का गैप है, ये भी हो चुका है, ये पॉइंट भी हो चुका है, एंड ये भी हो चुका है पीटर के नीचे जॉन आएगा, सो ये भी हम कर चुके हैं। अब बचा आपका माइकल, तो माइकल एंड केविन में आपकी पॉसिबिलिटी बनकर रहेगी कि आपका जो माइकल है वो 3 पर आएगा या फिर माइकल आपका 2 पर आएगा। अगर आपका केविन यहाँ पे 2 3 पर आता है तो माइकल 2 पर आएगा, एंड अगर आपका यहाँ पे माइकल जो है वो आपका 3 पर आता है तो केविन 2 पर आएगा, तो इसमें हमारी कंडीशन बनी रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनी थी, लेकिन अगर आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो इसको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड इनके क्वेश्चन को देखते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, तो आपका टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, तो वो है स्मिथ, सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 1st फ्लोर बिल्डिंग, तो आपका 1st फ्लोर पे कौन है, तो वो है जॉन, सो ऑप्शन नंबर 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे गिवन है ऑफ द फॉलोइंग 5, मतलब एक जो है वो किसी इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो आपको बताना है एंड्रियो कहाँ पर है, एंड्रियो 5 पर है। स्मिथ, फिर तो स्मिथ आपका 9 पर है, दोनों ही क्या है ऑड है। फिर आपका गिवन है जॉन, तो जॉन यहाँ पे है, ये भी ऑड है। फिर गिवन है डेविड, तो डेविड कहाँ पर है, डेविड आपका इवन नंबर पे, तो यही अलग होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर गिवन है हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ डेविड एंड पीटर, तो आपका डेविड एंड पीटर के बीच में कितने फ्लोर होंगे, तो डेविड यहाँ पे गिवन है एंड पीटर यहाँ पे गिवन है, तो कितने फ्लोर हैं इसके बीच में, ओनली 1, सो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो माइकल है वो कौन से फ्लोर पर रहता है, तो आंसर सी एंड डी होगा, बिकॉज हमें पता नहीं है कि वो 3 पर है या फिर 2 पर है। ओके, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क रखा है, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। एंड इसी के संग हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, और फिर हम लोग लेंदी क्वेश्चन के संग एंड न्यू टाइप के क्वेश्चन के संग मिलेंगे, ताकि लेंदी क्वेश्चन पर भी आपकी धीरे धीरे कमांड बन पाए। और अगर आपके पीओ मेन्स में एंड जो आपका SBI पीओ एग्जाम आने वाला है, जो आपके पीओ के लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर NIACL AO एग्जाम होता है, उसमें हमेशा आपके लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, तो उसमें आपका टाइम भी लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिए ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। यही जो होता है, यही क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं आपके बीच में एंड दूसरे पर्सन के बीच में, इसी में आपको स्कोर करना होता है, बिकॉज इजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। कॉम्पिटिशन किसमें होता है कि ये जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनसे मार्क जो होते हैं वो कौन स्कोर करते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिए, इस पर कमांड जरूर बनाइए, एंड प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे गिवन है उनको व्यू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।